अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सबको स्किल्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से मुतालिक है। आप लोगों में से अक्सर लोग मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स बेस पर FIA में अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जिस परेशानी का सामना करना पड़ता है कि अक्सर FIA वाले अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने टेस्ट के हवाले से प्रॉपर जो सिलेबस है वो अपडेट नहीं करते, तो स्टूडेंट्स को ये परेशानी का सामना होता है कि उनका पेपर किस टाइप का होगा, किस टाइप का उनका पैटर्न होगा, कौन कौन से क्वेश्चंस को वो टच करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और मास्टर्स लेवल पर जब आप FIA में सब इंस्पेक्टर के लिए, ASI के लिए या कॉन्स्टेबल के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसका टेस्ट किस टाइप का होता है। ये बेटा ना सिर्फ टेस्ट के हवाले से बताया जाएगा बल्कि एक मुकम्मल सॉल्व पेपर है, ये हलशुदा है, ये सैम्पल पेपर भी आप इसको कह सकते हैं, लेकिन ये पेपर रिसेंटली FIA ने लिया है फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो आइए पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं। पेपर को आगे सॉल्व करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो स्किल्स एकेडमी को आप सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को प्रेस रखें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। जी नाज़िम, आइए पेपर को स्टार्ट करते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 1, अच्छा ये ना आंस दिए हैं मैंने, ऑप्शन ABCD ऑप्शंस का मैंने यहाँ पर तज़करा नहीं किया वक्त की किल्लत के बायस, क्वेश्चन के स्टेटमेंट के फौरन बाद उसका जो राइट आंस है वो बता दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन है, ओज़ा वाज़ द नेम ऑफ स्पेसिफिक गॉडेस ऑफ कुरैश। ओज़ा वाज़ द नेम ऑफ स्पेसिफिक गॉडेस ऑफ कुरैश। नाज़रीन, ये 100 MCQs हैं, आपको 1.5 घंटा टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटे के अंदर आपने 100 MCQs सॉल्व करना है, ठीक है। सवाल नंबर 2 है, ईयान इज अ क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ। ईयान इज अ क्लॉज ऑफ इस्लामिक लॉ। अशबु सब्त मीन्स सबीन। द नंबर ऑफ फेमस मंथ्स आर 4। जबल नूर इज सिचुएटेड इन अराफात। विच सूरा स्टार्ट विदाउट बिस्मिल्लाह, वह कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह के बग़ैर शुरू होती है, अल तौबा। नाज़रीन, आपको जो बताता चलूँ कि इसमें इस्लामिक स्टडीज़, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और करंट अफेयर्स या हालात हाजरा और कुछ हद तक साइंटिफिक टाइप के क्वेश्चन, ये एक मिक्स पेपर होता है 100 नंबर का, ठीक है। सवाल नंबर 7 है, ही वॉज इन हाई स्पिरिट, ये सही ऑप्शन को हाईलाइट किया गया, वेन आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट, he was very cheerful. Question 8 hai, harassed by repeated act of justice he decided to put his foot down not to yield. Sahi option hai not to yield. Question 9, land reform usually refers to redistribution of land from the rich to the poor. He addressed the gathering in impressive English. क्वेश्चन 10 है, फाइनली एज अ पार्ट ऑफ पीरियडिक चेंज इन मेंबरशिप देयर हैव ऑल्सो बिन सेवरल चेंजेस टू आर एडिटोरियल बोर्ड। फाइनली जो है ना इसमें सही ऑप्शन है, अडेप्टेशन हैज बिकम एन इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ एनी क्लाइमेट चेंज स्ट्रेटजीज, मिनरल रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड डिफिकल्ट टू फाइंड, स्कैर्स इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन 12 है, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल रिजाइम्स हैव एन डायरेक्ट इम्पैक्ट अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें डायरेक्ट इम्पैक्ट वाली ऑप्शन जो है वो ठीक है। द रिटेल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इज वास्ट एंड हैज ह्यूज पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट as the majority of its constituent is unorganized. Question number 4 hai, the boundary between air and lethal gas can be extremely sharp, even a single step upslope may be adequate to escape death.
तो बिटवीन का ऑप्शन इसमें ठीक है। क्वेश्चन 15 है, एज ए रिजल्ट देयर इज अ नीड फॉर इंट्रोड्यूसिंग मोर इनोवेटिव स्कीम्स टू अट्रैक्ट लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर। इंट्रोड्यूसिंग वाली ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। क्वेश्चन 16 है, करप्शन एंड पुअर गवर्नेंस हैज बीन मेजर प्रॉब्लम इन मैनी कंट्रीज। करप्शन इज द मेन काज, ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 17 है, लेट्स फाइंड आउट व्हाई प्लूटो इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड अ प्लैनेट। इसमें कंसिडर्ड वाली ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन 18 है, सिंस टूरिज्म डज नॉट फॉल अंडर अ सिंगल हेडिंग इन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स इट्स कंट्रीब्यूशन हैज टू बी एस्टिमेटेड। इसमें दुरुस्त ऑप्शन एस्टिमेटेड वाली है। 19, द कमोडिटी फ्यूचर्स मार्केट फैसिलिटेट्स द प्राइस डिस्कवरी प्रोसेस एंड प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्राइस रिस्क मैनेजमेंट इन कमोडिटीज। फैसिलिटेट की ऑप्शन, अगर वो बी नंबर पे हो या सी या डी, जहां भी हो, इस क्वेश्चन में ये ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन 20 है, द पाकिस्तानी टेलीकॉम सेक्टर हैज विटनेस्ड ट्रीमेंडियस ग्रोथ ओवर द पास्ट डिकेड। विटनेस्ड का ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। 21 क्वेश्चन है, बिफोर इम्पोजिशन ऑफ फर्स्ट मैरिटल लॉ, फर्स्ट मार्शियल लॉ इन पाकिस्तान ऑन अक्टूबर 7, 1958, द लास्ट प्राइम मिनिस्टर वॉज मलिक फिरोज खान नून। ये इसमें दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 22 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग टुक प्लेस इन 1963। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है सेटलमेंट ऑफ पाक चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। 23 क्वेश्चन है, 1965 वार कॉन्टिन्यूड फॉर 17 डेज, 1965 की जंग कितने दिन जारी रही? तो इसका दुरुस्त जवाब है 17 दिन। 24 क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड द बुक इल्मुल इक्तिसाद। इल्मुल इक्तिसाद किताब जो है इसके बानी कौन है, यानी इसके राइटर कौन है? तो ये अलामा इकबाल जो हैं वो इस किताब के बानी हैं। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द ग्रैंड ट्रंक रोड N5 विच रन फ्रॉम पिशावर टू कराची। और इसकी लेंथ बतानी है हमने, तो इसकी लेंथ है 1819 किलोमीटर, यानी 1819 किलोमीटर। शाहनामा इस्लाम वॉज रिटन बाय, बहुत मशहूर किताब है, उसका राइटर पूछा गया है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है हफीज जालंधरी। क्वेश्चन 27 है, के इन पाकिस्तान स्टैंड्स फॉर, पाकिस्तान में जो वर्ड के है वो कश्मीर का सिंबल है, कश्मीर की अलामत है। क्वेश्चन 28 है, विच सिटी इज कॉल्ड फॉरबिडन ऑन। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है लहासा। क्वेश्चन 29 है, विच सिटी इज कॉल्ड द गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया का गेटवे किसे बोला जाता है? तो दुरुस्त जवाब है मुंबई। 30 क्वेश्चन है, विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ कॉस्मोनॉट्स। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है मॉस्को। 31 क्वेश्चन है, हमास वॉज फाउंड इन 1987 बाय, हमास के बानी का नाम बताना है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है शेख अहमद यासीन। 32 क्वेश्चन है, निप्पन इज स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑफ टोक्यो। निप्पन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट किस कंट्री की है? तो ये टोक्यो की है। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स है वो किस कंट्री के पास है? तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है चाइना के पास। 34 क्वेश्चन है, खार इज द मेन टाउन ऑफ, ये बाजोड़ एजेंसी है पाकिस्तान में, इलाका गैर के अंदर पाई जाती है, तो ये दुरुस्त ऑप्शन बाजोड़ एजेंसी है। 35 क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ सीटो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनके मेंबर्स के नाम बताने हैं, वो कौन से कंट्रीज सीटो के मेंबर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, थाईलैंड, यूके एंड यूएसए। 36 क्वेश्चन है, द मेन फैक्टर एट्रीब्यूटेड टू द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 इज कलैप्स ऑफ हाउसिंग प्राइस एंड मॉर्टेज मार्केट इन द यूनाइटेड स्टेट। ये इसका बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 37 है, 3 मई ईच ईयर इज द
ऑब्जर्व्ड इंटरनेशनली एज प्रेस फ्रीडम डे। 3 मई हर साल दुनिया में किस दिन के तौर पर मनाया जाता है? तो ये प्रेस फ्रीडम डे यानी मीडिया की आज़ादी के तौर पर मनाया जाता है, मीडिया की आज़ादी का दिन। 38 क्वेश्चन है, द यूएन स्पेंड्स द लार्जेस्ट अमाउंट ऑलमोस्ट $8 बिलियन एनुअली। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा फंड जो है वो यूएन किस चीज़ पर खर्च करती है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है पीस कीपिंग, अमन के मुआहदे पर, अमन कायम रखने के लिए सबसे ज़्यादा फंड यूएन खर्च करते हैं। इन कंप्यूटर सीपीयू स्टैंड्स फॉर, कंप्यूटर के अंदर सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो 39 क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। इसका दुरुस्त ऑप्शन हॉर्मोज। 40 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्म्स हैज़ वन 8 ऑस्कर अवार्ड्स इन द सेरेमनी ऑन 23 फरवरी 2009। तो 23 फरवरी 2009 को और जो ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया फिल्म्स को। 48 क्वेश्चन है, व्हाट इज खैमर रॉक? तो खैमर रॉक जो है वो क्या है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है अ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन कंबोडिया। तो कंबोडिया के अंदर कम्युनिस्ट की तहरीक का नाम है। क्वेश्चन 42 है, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF इज लोकेटेड एट। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुरुस्त ऑप्शन है Washington DC। 43 क्वेश्चन है, द बिगेस्ट बर्ड इज, दुनिया में सबसे बड़ा परिंदा ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, कुछ लोग इसको शुतुरमुर्ग भी पढ़ते हैं, तो ऑस्ट्रिच इसका सही ऑप्शन है। 44 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसीज हैज रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज? तो नोबेल पीस प्राइज यूएन का किसको मिला है? तो ये दिया गया ऑल यूनिसेफ को, ILO, UNO, हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। 45 क्वेश्चन है, द फेमस सिटी वाटरलू कहाँ पर मौजूद है? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है जी बेल्जियम, ये बेल्जियम में मौजूद है। 46 क्वेश्चन है, हु इज हेमनेट कारकरे? हेमनेट कारकरे कौन है? तो ये है जी इंडियन एंटी टेररिस्ट स्क्वाड चीफ, किल्ड ड्यूरिंग मुंबई अटैक इन 2008। सन 2008 में मुंबई हमलों में ये मारा गया था और ये शख्स एंटी टेररिस्ट स्क्वाड का चीफ है। 47 क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स वॉच इज बेस्ड इन न्यूयॉर्क। 48 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गल्फ स्टेट हैज रिसेंटली डोनेटेड 320 मेगावाट गैस फायर्ड पावर प्लांट इन पाकिस्तान? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है UAE। 49 क्वेश्चन है, पाकिस्तान लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर एट प्रेजेंट, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? तो अमेरिका भी है, इसके साथ आप चाइना भी ऐड कर लें, तो ये दोनों कंट्रीज जो हैं वो हमारे ट्रेडिंग पार्टनर हैं, ये बोथ की ऑप्शन आपको दी हुई होगी। 50 क्वेश्चन है, आ ट्रेडर लॉसेस 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹480, इफ ही इज टू गेन 20% ही शुड सेल इट फॉर -₹। तो ये मैथ का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके आपका दुरुस्त ऑप्शन निकलेगा, जवाब जिसका जो सही है वो 720 है। 51 क्वेश्चन है, द मिनट आर्म ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर। तो द नंबर ऑफ द मिनट टेकन बाय द टिप ऑफ द आर्म टू ट्रेवल अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज नियरली इक्वल टू, तो दुरुस्त ऑप्शन इसका बनेगा 10। क्वेश्चन नंबर 53 है, व्हेन अ नंबर एक्स इज एडेड टू 4 बाय x, जब हम 4 को किसी x पे डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट 4 ही निकलता है, ठीक है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन 4 है। 54 क्वेश्चन है, देयरफॉर x इज अ 2, द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, हाँ जी, तो इस सीरीज में आपने बताना है अगला नंबर कौन सा होगा, ये सीरीज को चेक करें,
07-26-63, तो इस तरह नेक्स्ट नंबर जो है वो सीरीज में 124 आते हैं। 55 क्वेश्चन है, एन नंबर ऑफ अ पर्सन डिसाइडेड टू रेज ₹3 lakh बाय इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच, हैड दे कंट्रीब्यूटेड ₹50 ईच एक्स्ट्रा द कंट्रीब्यूशन वुड हैव बीन ₹lakhs, हाउ मैनी पर्सन आर दे, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 500। इन अ क्लासरूम इफ 6 स्टूडेंट्स पर बेंच आर असाइंड टू अकोमोडेट ऑल स्टूडेंट्स 1 एक्स्ट्रा बेंच विल बी रिक्वायर्ड, हाउएवर इफ 7 स्टूडेंट्स आर अकोमोडेटेड पर बेंच देर वुड बी अ स्पेस लेफ्ट फॉर 5 स्टूडेंट्स ऑन ऑफ द बेंच, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास। पूछा ये जा रहा है कि 6 स्टूडेंट्स हैं एक बेंच के ऊपर और एक बेंच क्लास में और लाने की अभी गुंजाइश है, तो अगर 7 स्टूडेंट्स बिठा दिए जाएं, स्पेसिंग दी जाए उनके दरमियान और 5-5 स्टूडेंट करके बिठाए जाएं, तो टोटल स्टूडेंट जो हैं वो क्लास में कितने हैं, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन 72 है। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹45 फॉर अ लॉस ऑफ 10%, इफ इट इज सोल्ड एट ₹65 द गेन इज 30। इन अ क्लास देर आर 18 बॉयज हु आर ओवर 1606 m टाल, ये 1606 मीटर टाल, इफ दिस कॉन्स्टिट्यूट 3/4 ऑफ द बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ द बॉयज इज 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाट इज द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास, तो गर्ल्स की तादाद यहाँ पर 12 बनेगी। अ क्वांटिटी इज फाउंड टू वेरी इन द ऑर्डर 9, 16, 25, 36, 49, व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर, इसी सीरीज के हिसाब से नेक्स्ट नंबर जो है वो 64 बनेगा। असल में ना ये गौर करेंगे, सीरीज चल रही है 3 का स्केयर 9, 4 का स्केयर 16, 5 का स्केयर 25, 6 का स्केयर 36, 7 का स्केयर 49, तो आगे फिर 8 का स्केयर 64 बनते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 320 एंड द रेशियो इज 1:5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ दीज टू नंबर, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 1536 यानी 1536। 60 नंबर क्वेश्चन है, किरण हैज 85 करेंसी नोट्स इन ऑल, सम ऑफ विच वर ऑफ ₹100 एंड द रिमेनिंग ऑफ ₹50, द टोटल अमाउंट ऑफ ऑल दीज करेंसी नोट्स वाज 5000, हाउ मच अमाउंट डिड शी हैव इन द डिटर्मिनेशन ऑफ ₹50, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 3500। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, 5.8 मल्टीप्लाई 2.5 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 6.07 प्लस 139.25। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने डिमास रूल का यूज़ करना है, डिमास रूल से मुराद ये है कि पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर ऐड और सब्ट्रैक्शन का जब आप प्रोसेस इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 57.80। क्वेश्चन 62 है, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 5/36। 63 नंबर क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन एवरी कैंडिडेट टुक फिजिक्स और मैथमेटिक्स और बोथ 65.8%, टुक फिजिक्स एंड 50.2% टुक मैथमेटिक्स, द टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स वाज 2000, हाउ मैनी टुक बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये अपने परसेंटेजेस निकालनी है, दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 500। 64 क्वेश्चन है, पेशेंट इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम इन साइड आर रेक्टेंगल एंड परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन ऑन ईच साइड फ्रॉम द पॉइंट, द सम ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 24 cm, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 times द विड्थ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल विल बी 48 cm, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन 48 cm बनेगा। 65 क्वेश्चन है, अ मैन हैज ₹480 इन द डिनोमिनेशंस ऑफ 1 rupee notes, 5 rupee notes एंड 10 rupee note, द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन इज इक्वल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट्स दैट ही हैज, उसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 90। 66 नंबर क्वेश्चन है, द एवरेज सैलरी ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज इन अ फर्म इज ₹520 एंड दैट ऑफ द अनस्किल्ड एम्प्लॉयज इज 420, तो इफ द एवरेज सैलरी ऑफ बोथ द ग्रुप्स ऑफ द एम्प्लॉयज इज
500, then the percentage of skilled employees in the firm is, इसमें आपने परसेंटेज निकालनी है, ये 80% निकलेगी। 67 क्वेश्चन है, अ मैन जंप्ड एट द स्पीड ऑफ 5 meters per second फ्रॉम द स्टेशनरी बोट एंड द बोट मूव्ड ऑफ विद द स्पीड ऑफ 0.5 meters per second, हाउ मैनी टाइम इज द मास ऑफ द बोट ग्रेटर देन दैट ऑफ द मैन, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 10 times। 68 नंबर क्वेश्चन है, वन मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 290 kilojoule ऑफ हीट, वट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 49 ऑफ द हाइड्रोजन गैस इज बर्न अंडर द सेम कंडीशन, तो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा 580। द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इज 5 years, द फ्रैक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर 20 years 1/16, ये हाफ लाइफ बतानी है तो 1/16 बनेगी। 70 क्वेश्चन है, वट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्रेन ऑफ एन एवरेज ह्यूमन बींग, एक इंसान के दिमाग का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, तो 1450 cubic centimeter इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन 71 है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन स्पाइना, स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम के अंदर कितनी बोन्स होती हैं, तो स्पाइनल कॉलम के अंदर 33 बोन्स होती हैं। 72 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ टेल विच वन इज यूज फॉर ग्राइंडिंग फूड, तो दांतों में से वो टाइप बतानी है जो खुराक को चबाने के काम आती है, तो ये आप इसका सही ऑप्शन है कैनिन। 73 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी टेल विच वन इज प्रेजेंट नेक्स्ट टू द ब्रेन, तो दिमाग के बाद अगला वो कौन सा ग्लैंड है जो हमारे बॉडी में पाया जाता है, तो वो दुरुस्त ऑप्शन है पाइनियल ग्लैंड। 74 क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन बोन टेल विच वन इज ऑफ द हेड, तो इंसान में हड्डियों में से वो कौन सी हड्डी है जो खोपड़ी में पाई जाती है, तो खोपड़ी की हड्डी को स्कल बोला जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 74 है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है लिवर, लिवर ग्लैंड है जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ग्लैंड है। 76 क्वेश्चन है, द ह्यूमन बॉडी ग्रोज एट डिफरेंट पेसेस एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ लाइफ, व्हेन इज इट ग्रोथ फास्टेस्ट, हमारी वो कौन सी एज है जिसमें जिस्म की ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, तो इंसान की ग्रोथ की जो बेस्ट एज है वो 10 से 16 साल, 10 से 16 साल के दरमियान ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। 77 क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स द ह्यूमन ब्रेन इट्स एनर्जी, तो दिमाग को एनर्जी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, उसका दुरुस्त ऑप्शन है ग्लूकोज। 78 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज थायराइड ग्लैंड लोकेटेड, थायराइड ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड एट बैक ऑफ द नेक, हमारी गर्दन के पिछले हिस्से में पाया जाता है। 79 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म की जो एनर्जी है उसको मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन कैलोरीज। क्वेश्चन 80 है, कासम अली शाह सिलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, सिंध का चीफ मिनिस्टर कासम अली शाह को कब बनाया गया, तो 6 अप्रैल 2008 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। 81 क्वेश्चन है, नवाज शरीफ टुक ओथ ऑफ ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकेंड टाइम, नवाज शरीफ ने दूसरी मरतबा चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का जो हलफ है वो कब उठाया था, इसका दुरुस्त ऑप्शन है 3 फरवरी 1997, 3 फरवरी 1997 को। क्वेश्चन 82, थ्रू 13th अमेंडमेंट आर्टिकल 58(2)(b) एंड 112(2)(b) वर डिलीटेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 13वीं अमेंडमेंट जो है वो पाकिस्तानी ला के अंदर की गई, जो शिक है 58(2)(b) और 112(2)(b) वो डिलीट कर दी गई ला में से, तो पूछा ये गया है कि वो कब डिलीट की गई, तो 1 अप्रैल 1997 इसका दुरुस्त ऑप्शन है। 83 क्वेश्चन है, औरंगजेब आलमगीर बिल्ट शाही मॉस्क इन, औरंगजेब आलमगीर ने शाही मस्जिद कहाँ तामीर की, तो डेफिनेटली लाहौर में की, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। 84 क्वेश्चन है, न्यूक्लियर डिवाइस वाज एक्सप्लॉयटेड एट चागी, तो पाकिस्तान ने चागी में जो कामयाब न्यूक्लियाई तजर्बात किए थे वो कब किए थे, 28 मई 1998, यौम तकबीर के नाम से ये दिन मनाया जाता है।
85th क्वेश्चन है, औरंगजेब डाइड इन, औरंगजेब की वफ़ात बतानी है तो 1707 में इसकी वफ़ात हुई है। 88th क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट नॉन मुगल एम्परर, ही असेंडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन द ईयर, सेशन पूछा गया है आखिरी साल मुगल बादशाह का वो कौन सा पीरियड था, 1837 AD है इसका दुरुस्त ऑप्शन। 87th क्वेश्चन है, बहादुर शाह जफर वाज डिक्लेयर्ड द एम्परर ऑफ इंडिया, बहादुर शाह जफर इंडिया का बादशाह कब बना था, तो 1857, ठीक है, लास्ट एम्परर बहादुर शाह जफर 1857 तक था। और उसके बाद है जी द फुल नेम ऑफ हमायूं, हमायूं के नाम से हम उन्हें जानते हैं, तो इनका पूरा नाम जो है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं है, नसीरुद्दीन मोहम्मद हमायूं। 89th क्वेश्चन है, द वर्ड मुगल डिराइव फ्रॉम मंगोल मीनिंग एनी वन फ्रॉम, ये सेंट्रल एशिया से आए हुए मंगोल थे तो उन्हीं से ये वर्ड डिराइव हुआ और फिर उनको मुगल बोला गया। क्वेश्चन 90 है, द IFK इवेंट इज डिस्क्राइब्ड इन कुरान, तो कहाँ पर ये लफ्ज आया कुरान में, सूरह नूर के अंदर आया है, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन है, द प्रॉफिट स्टैम्प कॉम्प्रोमाइज इज ऑफ दिस वर्ड, नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो स्टैम्प थी, उनके पास जो मोहर मुबारक थी, उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, अल्लाह रसूल मोहम्मद, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह। 92 क्वेश्चन है, द हेड्स ऑफ ज़कात आर, ज़कात के वो कौन से रुकन हैं, तो ज़कात के 8 रुकन होते हैं, 8 मेंबर हैं इसके, ठीक है। 93 क्वेश्चन है, मुवतैन मींस, इसका मतलब है जी 2 स्पेसिफिक सूरह ऑफ कुरान, कुरान की 2 मखसूस सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, कुरान पाक की आखिरी 2 सूरतें हैं, उनको मुवतैन का नाम दिया जाता है। 94 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मैन, इंसान के जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर है जी 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, कौन सा विटामिन जो है वो ब्लड की क्लॉटिंग में मदद देता है, तो विटामिन के जो है वो मदद देता है, अगर हमारे बॉडी में विटामिन के कम हो तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं बनती। 96 नंबर क्वेश्चन है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन द नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग, इंसानी जिसम में, एक बालग इंसानी जिसम में टोटल वॉल्यूम कितना होता है ब्लड का, तो ये 5 to 6 लीटर जो है ना वो वॉल्यूम है एवरेज वेट का। 97 क्वेश्चन है, रेड ब्लड सेल कॉर्पसेल्स आर फॉर्म्ड इन द, तो हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल कहाँ बनते हैं, रेड ब्लड सेल हमारे बॉडी में लिवर के अंदर बनते हैं, यानी जिगर में। 98 क्वेश्चन है, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, इंसानी जिस्म में टोटल हड्डियों की तादाद पूछी गई है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। 99 क्वेश्चन है, ब्रोंकाइट्स इज अ डिजीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, ब्रोंकाइट्स जो है वो हमारे किस ऑर्गन की बीमारी है, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, सांस की नाली की बीमारी को ब्रोंकाइट्स बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है, डायलिसिस इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलोअर, अगर गुर्दे नाकारा हो जाएं तो उसका इलाज जो है वो डायलिसिस के ज़रिए किया जाता है। जी नाज़रीन, ये हमारे 100 MCQs थे जो FIA का पेपर लास्ट टाइम उन्होंने ASI के लिए और सब इंस्पेक्टर के लिए लिया था, तो उसमें ये चीज़ें सारी पेपर में पूछी गई थी। अब आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया होगा कि FIA किस तरह का पेपर लेते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।